सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो सभी लोग? तो आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, घर बैठे मस्त में आप लोग हमने प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते होंगे, फर्स्ट चैप्टर से लेकर फाइव चैप्टर तक के मैंने सारे वीडियोज आप लोग के लिए अपलोड कर चुका हूं। अब चालू कर रहे हैं आगे के पोर्शन क्लास 11 के। तो ये रहने वाला है चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। इसको डिटेल में समझेंगे, एक एक चीजों को कवरअप करते हुए समझेंगे। एक चीज याद रखना, जो आप लोगों ने पुराने वीडियोस देखे होंगे, ये सेम वैसा चैप्टर नहीं है। जो पुरानी बुक्स जिनके पास है वो ऐसा चैप्टर नहीं है। इस चैप्टर में सीबीएसई ने मेजर चेंजेस करे और इस चैप्टर को बहुत इजी बना दिए, हलवे टाइप का आराम से कवरअप होगा। तो इस वीडियो को एंड तक के जरूर देखना है, डिटेल वे में एक एक चीजों को समझते हुए चलने वाले। चैनल को सब्सक्राइब मार लें और अपने दोस्त यारों को शेयर कर दो, यार कंजूसी दिखा लो एक काम कर तुम, और लाइक बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। कुंडी लगा लो सैया, तुम्हार को जन्नत दिखाती मैं, जन्नत दिखाती मैं, जन्नत। सो चलिए कवरअप करते हैं हमारे नए चैप्टर को, जो रहने वाला है यूनिट नंबर 6। और काफी दिनों बाद यार फिजिकल एजुकेशन क्लास 11 के वीडियोस लेकर आ रहा हूँ, बट अब कंटिन्यू रहेंगे, परेशान बिल्कुल मत होना और कंटेंट पूरा आएगा, ठीक है जी। तो इस चैप्टर को हम लोग कवरअप करने वाले हैं, टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। अब देखो यार, जितनों ने पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़े होंगे उनको ऐसा लग रहा होगा कि यह वाला चैप्टर बहुत बड़ा है, बट जो नया सिलेबस आया है 2022-2023 का, उसमें एकदम से रिडक्शन आ गया है। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इजी बना दिया गया है, हलवा टाइप के टॉपिक है यार, सिर्फ आप लोग को नाम से समझ के अपने अकॉर्डिंग लिखना है। बट मैं आप लोग को अपने और से समझा देता हूँ, सो देट आप लोग और बेहतर तरीके से लिख सको। तो यार प्रेजेंट कर रहा हूं मैं, और क्लास 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखने वाले, ये सारा का सारा कॉन्टेंट रहने वाला है जो ये तीनों टॉपिक दिख रहे हैं। एक और चीज याद रखना तुम सभी के सभी लोग, काफी सारे लोग कह रहे थे कि भैया आप कॉन्टेंट बुक के हिसाब से नहीं पढ़ा रहे। अरे दोस्त, बुक के हिसाब से नहीं, मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। नए सिलेबस में काफी सारे चेंजेस है, जो भी बुक आप फॉलोअप कर रहे हो सकता है वो कंटेंट को पुराने पॉइंट ऑफ व्यू से कवर अप करा रहे हो। भाई सिलेबस उठाओ, जो सिलेबस में दिया है वही आपके एग्जामिनेशन में, आपके स्कूल में पूछा जाएगा, तो क्यों बेफिजूल का टाइम बर्बाद करना। तो चलो भाई शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुझे फॉलोअप कर लेना इंस्टा पे, टेलीग्राम के चैनल को और ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर लेना, सो दैट सारी अपडेट्स आप लोग को मिलते रहेगी। और अन अकेडमी में फॉलोअप जरूर कर लेना, वहां पर ढेर सारी मैं आप लोग के लिए क्लासेस लेता रहता हूँ। इसी के साथ साथ अगर आप लोग चाहते हो एक स्ट्रक्चरल वे में अन अकेडमी के साथ पढ़ना, तो आप घर बैठे अपनी प्रिपरेशन चालू कर सकते हो। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोग को वहां पर पढ़ा रहे, और सारे के सारा अनलिमिटेड एक्सेस है, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, साथ में आंसर राइटिंग से लेकर मेंटरशिप गाइडेंस वगैरह सब कुछ प्रोवाइड होने वाली। तो क्लास 11 की जर्नी आप लोग स्टार्ट कर सकते हो स्ट्रक्चरल वे में बैच के थ्रू। सो अनअकैडमी की लिंक सभी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से जाके आप लोग अपने सब्सक्रिप्शन को प्लान कर सकते हो और यूज कर सकते हो मेरा कोड ZAKI100, सो दैट आप लोग को स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा और आप लोग अपनी बेस्ट प्रिपरेशन घर बैठे स्टार्ट कर सकते हो। इसी के साथ साथ इस चैप्टर के नोट्स अगर आप लोग को चाहिए, तो आप लोग मेरी वेबसाइट ZAKI.IN से जाके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो, और यार अगर आप लोग चाहो तो वहीं से रीड कर सकते हो सारे के सारे कोर्स, और आप लोग को नोट्स वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे। इसी के साथ साथ चलो चालू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से। तो पहला टॉपिक आप लोग का बेस्ड है कि टेस्ट क्या होता है, मेजरमेंट क्या है, और साथ में इवेल्युएशन क्या है। एकदम बेसिक सा टॉपिक है यार, मैं जानता हूं तुम लोग को ऐसा लग रहा हूं कि ये क्या पढ़ाया जा रहा है, बेशक, क्योंकि जो लास्ट टाइम जो ये चैप्टर था ये पूरा का पूरा मोल्ड कर दिया गया, कस्टमाइज कर दिया गया, इजी है, कुछ भी नहीं है। अब सबसे पहली चीज निकल के आती है, टेस्ट क्या होता है। टेस्ट का मतलब क्या, सीधी सिंपल बात, टेस्ट एक किस्म से यार एग्जामिनेशन के तौर पे होता है। जैसे यार आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो अपने एग्जाम की, और एक टाइम आएगा कि जब आपका एग्जाम होगा कि आपने कितना पढ़े। अब कितना पढ़े वो कब पता चलेगा, जब आपका एग्जामिनेशन होगा। अभी जो एग्जामिनेशन है यही आपको डिटरमाइन करता है कि कितने पर्टिकुलर वे में आप लोगों ने अपने आप को प्रिपेयर करे थे। अब जैसे स्पोर्ट्स की फील्ड में होता क्या है कि यार फॉर एग्जांपल टूर्नामेंट आने वाला है, तो उससे साल भर पहले तक के जो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पर्सन रहेगा वो अपने आप को प्रिपेयर करेगा, और एक डे आएगा फॉर एग्जांपल आईपीएल का मैच, उस दिन उसका एग्जामिनेशन, उसका टेस्ट है कि आखिर उसने साल भर तक के कितनी अच्छी प्रैक्टिस किया। तो वो क्या है, किस्म से टेस्ट होता है। तो टेस्ट के बारे में यार क्या ही बताओ यार, हल्का फुल्का ऐसा ऊपर तौर से आप लोग लिख लेना। याद रखो फिजिकल एजुकेशन में अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है, कोई आप लोग को एकदम बुकिश लैंग्वेज तो लिखकर आना नहीं है। तो यहाँ पे सीधी सिंपल बात, ये काफी इंपॉर्टेंट टूल है, इसके थ्रू आप लोग गेन कर सकते हो नॉलेज की कितना बेस्ट तरीके से आप लोग अपने आप को प्रिपेयर करे थे, और नेक्स्ट टाइम कितना और बेस्ट आप लोग को देना है। तो ऐसे ही स्पोर्ट्स की फील्ड में काफी सारे डिफरेंट टेस्ट होते हैं, जो कि यार इंडिविजुअल स्पोर्ट्स की फील्ड में हो सकते हैं। जैसे यार आप जानते होंगे 1 माइल टेस्ट हो गया, हार्वर्ड टेस्ट हो गए, इस तरीके से और भी अफार्ड टेस्ट वगैरह होते हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके थ्रू आप लोग की फिटनेस वगैरह चेकआउट की जा सकती है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का मेजरमेंट। तो मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट खुद एक प्रोसेस के अंदर आता है टेस्ट के। मतलब क्या, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर
करना है रिस्पेक्टिव टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यार जैसे आप लोग का हार्वर्ड टेस्ट हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह लगती है उसके रिगार्डिंग जो भी आप लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे वो सभी के सभी किसके अंदर आएगा, मेजरमेंट में। तो बेसिक सी बात है, कुछ नई बात नहीं है, टेस्ट के अंदर का ही पार्ट होता है मेजरमेंट और कुछ भी नहीं है। सो बेसिकली एक किस्म का क्वालिटेटिव प्रोसेस होता है जिसके थ्रू किसी भी इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस को, फिटनेस को, एबिलिटी को मेजर करने में काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है जब भी हम लोग इंडिविजुअल पर्सन का मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट चीज निकल के आती है इवेल्युएशन। सीधी सिंपल बात, ये लास्ट मैं कह सकता हूं एक किस्म से रिजल्ट देना। फॉर एग्जाम्पल जो भी आपका टेस्ट हुआ उसके अकॉर्डिंग जो भी रिजल्ट निकल के आया उस इंडिविजुअल एथलीट का कि भाई आप लोग किस तरीके से मार्किंग, मतलब देखते होंगे ना आप लोग कि यार इंडिविजुअल पर्सन का टेस्ट हुआ, अब उसके बाद फिर आप लोग को स्कोर मिलेगा कि कितना बेस्ट तरीके से आपने परफॉर्म करे, वो एक किस्म से इवेल्युएशन होता है। तो एक किस्म से मैं कह सकता हूं कि इवेल्युएशन कंक्लूजन जैसा होता है इंडिविजुअल टेस्ट के लिए। तो जो भी टेस्ट हो रहा है, चाहे वो 1 माइल टेस्ट क्यों ना हो रहा या फिर सिट एंड रीच टेस्ट हो रहा, तो उसमें आपने कितना अच्छा परफॉर्म करे उसके बारे में इवेल्युएशन बताता है। तो मेरे ख्याल से यार इसमें कोई बहुत हार्ड वार्ड तो नहीं लग रहा होगा। तो अब चलो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो एकदम हलवे टाइप का टॉपिक है। मेरे को मालूम है काफी सारी बुक्स वगैरह में ये टॉपिक मिलने भी नहीं वाला है, बट यार आप लोग के लिए ढूंढ के लाया तो इसको कवर अप करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट इन द फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। तो काफी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं, उसको देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट। मतलब क्या, कोई भी इंडिविजुअल का अगर टेस्ट परफॉर्म कर रहे तो उससे पहले उसके बारे में जाने कि उस इंडिविजुअल को उस टेस्ट के बारे में कितना मालूम है। समझ में आ रहा है, कितना नहीं मालूम है, कितना मालूम है, तो पहले आपको उसके बारे में अवेयर करना होगा। वो एक किस्म से डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। तो ये किस्म का प्री इवैल्यूएशन टेस्ट की तरह होता है, जो एक इंडिविजुअल या को, मतलब उसका इंस्ट्रक्टर हमेशा गाइड करता है कि भाई आप लोग के पास ऐसा ऐसा टेस्ट होने वाला है, इसके बारे में सब्जेक्टिव फॉर्म में सभी चीजें बताई जाती है। और अगर कोई भी नॉलेज गैप उसके अंदर है तो उसको फुलफिल किया जाता है, कि बताया जाएगा कि अरे भाई ऐसा नहीं दौड़ना करना, या इस टेस्ट को ऐसे परफॉर्म नहीं करना। मतलब पूरी तरीके से इंस्ट्रक्शन देने का काम इस पूरे डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर होता है। सो नेक्स्ट निकल के आता है फॉर्मेटिव टेस्ट। मतलब क्या, जो भी इंडिविजुअल यार एथलीट जो है उस लेसन को लर्न कर रहा है उसके बीच में यार बार बार चीजों के बारे में समझाते रहना, बताते रहना, वो कहलाएगा फॉर्मेटिव टेस्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसके वजह से होता है कि यार जो गलतियां हो रही है उससे हम लोग कहीं ना कहीं यार बच सकते हैं ना। अब देखो यार कोई भी इंडिविजुअल कुछ चीज को सीख रहा है, उसके बीच में अगर वो गलतियां भी सीख रहा है तो बेटर है कि हम लोग उसी टाइम उसको करेक्ट कर दे। तो एक किस्म से फॉर्मेटिव टेस्ट के अंदर आएगा। और फॉर्मेटिव टेस्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इंडिविजुअल स्टूडेंट को अच्छा परफॉर्म करवाने के लिए। अब देखो यार सीधी सिंपल बात है यार, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, उसको पहले ही ठीक कर दे जिससे कि वो आने वाले टाइम पे आप लोग के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो फॉर्मेटिव टेस्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली चीज निकल के आती है बेंचमार्क टेस्ट। अब बेंचमार्क टेस्ट का मतलब ये कि यार इंडिविजुअल पर्सन जो है वो मास्टर हो चुका है उस इंडिविजुअल लर्निंग प्रोसेस का। जैसे मैंने आपको समझा दिया, आपको पूरा चैप्टर बन गया, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यार ये कैसा होगा, वो कैसा होगा, मतलब सो दैट आप सारी चीजों के बारे में आंसर कर सको। तो एक ऐसे टाइप का जो टेस्ट है वो आएगा आप लोग का बेंचमार्क टेस्ट के अंदर। इसका मतलब ये कि यार जो भी इंडिविजुअल इंस्ट्रक्टर है या जो टीचर आप लोग को जो भी चीज टीच कर रहा है उसको ये पता हो कि जिस भी इंडिविजुअल को उसने टीच किया, जैसे आपको मैं समझा रहा हूं, अब मुझे ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना चाहिए ना कि आप लोग को समझ में आ रही चीज है। तो ये एक किस्म से बेंचमार्क टेस्ट के अंदर आएगा कि जो भी इंडिविजुअल टीचर है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इंडिविजुअल स्टूडेंट से पूछे कि भैया आपको सब चीजें समझ में आई कि नहीं। मैं कह सकता हूं कि पूरा चैप्टर समझाने के बाद मैं अगर आपको पूछता हूं कि अरे चलो मुझे बताओ जरा मस्कुलर कोऑर्डिनेशन क्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए इसके बारे में। तो ये किस्म का बेंचमार्क टेस्ट होता है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन फिजिकल एजुकेशन। इसमें सबसे पहली चीज देखो यार, चीजें समझो, देखो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिजिकल एजुकेशन, काफी सारे पॉइंट्स हैं, आपको पॉइंट्स याद करना है और इसके अंदर के जो टॉपिक्स है पॉइंट याद कर लो, उसके अंदर के बारे में पहले से ही मालूम होगा, मुझे मालूम है। सबसे पहली चीज कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, क्या चीज होती है, कि यार उस इंडिविजुअल पर्सन की कितनी एबिलिटी है कि वो कितने लॉन्ग टर्म तक के सस्टेन कर सकता है स्पोर्ट्स के फील्ड में। जैसे जानते होंगे मैराथन वगैरह, वहां पे आप लोग को लॉन्ग डिस्टेंस तक के दौड़ना भी है और सस्टेन करके भी रखना है अपनी एनर्जी लेवल को, तो वो कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस के अंदर आता है। मतलब क्या, कि लंबे वक्त तक के आपको टिके रहना है आपके स्पोर्ट्स फील्ड के अंदर। तो अगर आप लोग को कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस को चेक करना है तो आप लोग हार्वर्ड स्टेप टेस्ट कर सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट है, या रन या वॉक माइल टेस्ट वगैरह आप लोग कर सकते हो, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है जिसके थ्रू आप लोग को पता चल जाएगा कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस आप लोग के अंदर है कि नहीं। अगली चीज निकल के आती है मस्कुलर स्ट्रेंथ। मस्कुलर स्ट्रेंथ का मतलब क्या, कि कितनी स्ट्रेंथ आपके अंदर है, ताकत कितनी है भाई। जैसे शॉट पुट वगैरह खेल रहे हो, कर रहे हो तुम लोग, या फिर जेवलिन थ्रो कर रहे हो, तो उसमें ताकत की जरूरत है ना। मतलब मैं कह सकता हूं कि दी अमाउंट ऑफ फोर्स जो आप एग्जर्ट कर रहे हो ड्यू टू दी मसल्स के थ्रू, तो यार मसल के अंदर ताकत है कि नहीं, कि यार वो इंडिविजुअल
स्पोर्ट्स पर्सन उस स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म कर सके। अब यार फॉर एग्जांपल वही बात की यार शॉर्ट पुट की बात कर रहे हैं, अगर पर्सन की मस्कुलर स्ट्रेंथ अच्छी नहीं रहेगी तो यार वो शॉर्ट पुट ज्यादा दूर तक नहीं फेंक पाएगा ना, तो ये टेस्ट कराना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो आता है आप लोग का वो है मस्कुलर एंड्योरेंस। मस्कुलर एंड्योरेंस का मतलब क्या है कि जो मसल्स है जो फोर्स एक्सर्ट कर रही है वो कितने टाइम तक के एक्सर्ट कर पाएगी। जैसे आप जानते होंगे यार कि मैं अगर आपसे कहूं कि पुशअप्स करो, पुशअप्स करते टाइम आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ तो लग रही है लेकिन साथ ही साथ एंड्योरेंस पावर भी तो लग रहा है, कितने लंबे टाइम तक क्या पुशअप्स कर पा रहे हो, मतलब आपकी मसल्स क्या सस्टेन कर पा रही है लॉन्ग टर्म तक, तो वो कहलाएगा मस्कुलर एंड्योरेंस। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये पुशअप्स पुलअप्स वगैरह में, आप लोग इसको चेक कर सकते हो कि आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ कितनी है। नेक्स्ट होता है फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी सीधी सिंपल बात यार, किसी भी इंडिविजुअल के पर्सन की रेंज ऑफ मोशन कितना ज्यादा वो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी से पता कर सकते हैं। इसके लिए काफी सारे टेस्ट होते हैं जैसे फ्लोर टच टेस्ट, इसी के साथ साथ टो टच टेस्ट और वी टेस्ट मेथड्स वगैरह होते हैं, सिट एंड रीच टेस्ट मेथड होते हैं, जिसके थ्रू आप पता कर सकते हो कि उस इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पर्सन की फिटनेस कितनी है, कितना रेंज ऑफ मोशन है, मैं कह सकता हूं मोटे मोटे तौर पे कि फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। इसी के साथ साथ लास्ट टॉपिक के बारे में बात करूं तो बॉडी कॉम्पोजिशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग जानते हो कि बॉडी कॉम्पोजिशन के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, आपका बॉडी वेट हो गया, फैट का कंपैरिजन हो गया, मस्कुलर स्ट्रेंथ हो गई, मसल्स की पावर हो गई, लिगामेंट कितने ज्यादा कैपेबल है कि नहीं, इसी के साथ साथ फास्ट ट्विच फाइबर, स्लो ट्विच फाइबर सही तरीके से वर्क कर रहे हैं कि नहीं, ये सभी के सभी मसल कंपोजिशन आएगा। आप जानते होंगे कि हर स्पोर्ट्स फील्ड के अंदर आपकी जो बॉडी होगी, जो स्पोर्ट्स पर्सन की बॉडी होगी वो अलग अलग दिखती है। सुमो रेसलिंग में हो सकता है अलग हो, रेसलिंग में अलग हो सकता है क्रिकेट में अलग हो, इसी तरीके से अगर आप लोग देखो तो फुटबॉल वगैरह में अलग हो। ऐसा क्यों? क्योंकि उस इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग मसल कंपोजिशन आपको एडॉप्ट करना पड़ता है। इसी के साथ साथ लास्ट टॉपिक है आज की हमारी क्लास का, उसका नाम है टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन गाइडेंस फॉर मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल फिटनेस। मतलब क्या? सीधी सिंपल बात, कुछ इंडिविजुअल टेस्ट वगैरह पढ़ना है, खत्म कहानी, कि यार जिसके थ्रू आप लोग पता कर सकते हो कि उस स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर एबिलिटी है कि नहीं, कि यार वो स्पोर्ट्स में खेल सकता है कि नहीं। सबसे पहली चीज हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। आखिर इसका पर्पज क्या है? इसका पर्पज होता है कि कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ को पता करना, मतलब आपकी जो हार्ट है और आपका जो लंग्स है वो सही तरीके से वर्क कर पा रहा है कि नहीं, क्या वो कोऑर्डिनेट कर पाएगा कि नहीं। आप जानते होंगे जब भी आप स्पोर्ट्स में खेलते करते हो तो आपकी सांस फूलने लग जाती है, लेकिन यार हम जैसे नॉर्मल इंसान की सांस फूलने लग जाती है, अब यार स्पोर्ट्स पर्सन के साथ ऐसा होगा तो दिक्कत है ना भाई, वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ होना जरूरी है। अब उसकी किस लेवल की कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ है वो चेक करने के लिए हम लोग हार्वर्ड स्टेप टेस्ट करते हैं। तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में यार आप लोग को एक बेंच लगता है या प्लेटफॉर्म लगता है, साथ में एक स्टॉपवॉच लगती है और कुछ इस तरीके का आप लोग को बेंच या इंच टेबल वगैरह लगता है, दिख रहा होगा तुम लोग को। तो 20 इंच का जो टेबल होता है ये बॉयज के लिए होता है, 16 इंच का जो रहता है वो गर्ल्स के लिए आप लोग यूज करते हो। कुछ भी नहीं है, ये देखो बेंच यहाँ पे रखा हुआ, आपको बेंच के ऊपर एक बार खड़े होना है, फिर उतरना है, खड़े होना, उतरना, खड़े होना, उतरना, इस तरीके से आप लोग को इंटरवल वाइज इसको करना पड़ता है 3-3 बार। और याद रखिएगा हर तीसरी बार, मतलब हर एक, मतलब एक बार करें उसके बाद फिर आपको चेक करना पड़ता है कि अच्छा इनकी मतलब हार्ट रेट कितना आ रहा है, मॉनिटर करना है ऑक्सीजन सप्लाई कितना हो रहा है, फिर उसके बाद सेकंड टाइम चेक किया जाएगा, थर्ड टाइम चेक किया जाएगा, ऐसे करके आप लोग के लिए फिर आप लोग को एक ग्राफ के थ्रू चेक करना रहता है कि अच्छा मतलब जो भी आपकी स्पेसिफिक स्कोर निकल के आया वो क्या आप लोग का बेटर है कि नहीं। अब आप बोलोगे भैया वो ग्राफ वगैरह याद करना है, क्या वो टेबल याद करना, कोई भी नहीं पूछने वाला, तुमको ये याद रखना है कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट क्या होता है, इसका पर्पस क्या है, इक्विपमेंट क्या है, प्रोसीजर कभी मत रटना, प्रोसीजर रटने से अच्छा है डायग्राम याद रख लो, यार एक बेंच है इसमें आपको उतरना, मतलब खड़े होना फिर उतरना, खड़े होना फिर उतरना, इस तरीके से आप लोग को करते रहना। और मैक्सिमम अगर आप लोग देखो तो 30 steps per minute आप लोग को यहाँ पे चलना उतरना है। अब अगला टेस्ट की बात करते हैं जिसका नाम है पुशअप टेस्ट। पुशअप टेस्ट यार एकदम बेसिक हलवे टाइप का टेस्ट यार, इसमें आप लोग को करना है क्या बेसिकली, जब भी आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को पता करना है तो आप लोग को यार हमेशा क्या करो, पुशअप टेस्ट करो। या अगर आपसे कोई कहे कि यार अपर बॉडी की स्ट्रेंथ को कैसे पता करना है, तो पुशअप के टेस्ट की वजह से कर सकते हो। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इसके लिए आपको याद करने की जरूरत है, क्या इसकी प्रोसीजर याद करना है? मेरे ख्याल से नहीं, लेकिन याद रखना बॉयज के लिए हमेशा इस तरीके से बॉडी स्टेबल रहती है, ठीक है ना, मतलब देखो अपर बॉडी से लेकर यहां तक है, इसके बीच में कोई भी गैप नहीं आएगा, ये एकदम इस तरीके से बैंड रहेगा। और जैसे आप देख रहे हो नीचे जा रहा है, मतलब क्या 90 डिग्री का एंगल बनाते हो नीचे जाना, कई लोग ऐसा ज्यादा दूर रख लेते हैं, आपको हमेशा शोल्डर के पैरेलल रखकर हमेशा पुशअप्स को करना है परफॉर्म, इसके थ्रू आप लोग की जो अपर बॉडी की स्ट्रेंथ होगी वो पता चल जाएगी। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो मॉडिफाइड पुशअप्स भी होते हैं, मॉडिफाइड पुशअप्स स्पेशली गर्ल्स के लिए होते हैं, क्लियर है, सब कुछ सेम होता है जैसे बॉयज में पुशअप्स होते हैं, बट यहां पे आपका जो ये वाला रीजन है देखो नी के तरफ से आप लोग को हमेशा इस तरीके से बेंड रहना है, बॉयज में ये पूरा स्ट्रेट था,
आप में मतलब कि गर्ल्स के इसमें देखा जाए तो अपर बॉडी सिर्फ नीचे जा रही है और फिर अपर बॉडी ऊपर आ रही है। बॉयज के इसमें ऐसा नहीं था, बॉयज के इसमें देखो अपर बॉडी लोअर बॉडी दोनों हवे में थी। क्लियर दोस्त, ये काफी इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बनाना आना चाहिए। प्रोसीजर में इस चीज को मेंशन जरूर करके आना, यही एक बहुत मेजर इशू है। मॉडिफाइड पुशअप्स इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि गर्ल्स के लिए मॉडिफाइड फॉर्म क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भाई इसमें आप लोग के जो नीज है वो डाउन है। अगला जो टेस्ट होता है इसका नाम है पार्शियल कर्ल अप टेस्ट। तो पार्शियल कर्ल अप टेस्ट का मतलब क्या कि आपके एब्डोमिनल की स्ट्रेंथ कितनी है, उसके अंदर की एंड्योरेंस कितनी है, उसके बारे में पता करना। पार्शियल कर्ल मतलब क्या, आज के जो लड़के लोग हैं एब्स बस बनाने के चक्कर में भिड़े रहते हैं, तो वो जो एब्स में क्रंचेस एक्सरसाइज करते हैं ना, बस वैसी कुछ होती है पार्शियल कर्ल अप टेस्ट। तो इसमें आप लोगों को प्रोसीजर कुछ भी नए में नहीं है। देखो आप लोग को अपने दोनों पैरों को इस तरीके से रखना है, दोनों हाथों को सीधे रखना है और अपने नेक के थ्रू आपको ऊपर उठने की कोशिश करना है। मतलब क्या, फॉर एग्जांपल ये 3 सेकंड के अंदर हो रहा है तो 1.5 सेकंड के अंदर आप लोग को इसको ऊपर करना है, फिर 1.5 सेकंड के अंदर इसको रेस्ट पोजीशन पे लाना है। जब आप ऊपर ले जाओगे तो इनहेल करोगे, नीचे लाओगे तो एक्सहेल करोगे। इस तरीके से आप लोग को परफॉर्म करना है। अब ये कब तक करते रहना है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है भाई, जब तक कि आपको फैटीग ना हो जाए, जब तक कि आपकी सहनशीलता, तब तक कर लो। जितना आप मैक्सिमम करें वो आप लोग की क्या हो गई, वो आप लोग की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहलाएगी। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको हमेशा कंटिन्यूस फॉर्म में करना रहता है, कोई एक रूल रेगुलेशन नहीं है, ये चीज याद रखिएगा। तो यहां तक के था आप लोग का टॉपिक, इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसका नाम है सिट एंड रीच टेस्ट। तो सिट एंड रीच टेस्ट ना देखो, इसमें एक बेंच यूज होता है, ये भाई वैन डीजल नहीं है, तो ये एक यहां पे इस तरीके से बेंच यूज हो रहा है, इसी का नाम है सिट एंड रीच बेंच। यहां पे एक स्केल लगा दी गई है, आपके पैर ऐसे सीधे रहेंगे और आपको अपनी अपर बॉडी को जितना ज्यादा हो सके आगे लेके जाने की कोशिश करना। आपको झटके से आगे नहीं जाना है, क्लियर है, आप जितना खुद से जा सकते हैं उतना जाने की कोशिश करना। तो जितना ज्यादा आप आगे जाओगे वो आप लोग की फ्लेक्सिबिलिटी की रेंज ऑफ मोशन के बारे में डिस्क्राइब करेगा, समझ में आया। तो ये स्केल में जितना आप आगे जाओगे उतना ज्यादा आप फ्लेक्सिबल हो। तो इसका पर्पज क्या है, सीधी सिंपल बात, आपकी जो बॉडी है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को पता करना, हिप रीजन, बैक रीजन और जो हैमस्ट्रिंग है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को स्पेशली पता करना इसका मेन काम होता है। और सेट एंड रीच बेंच यहाँ पे यूज होता है, स्पेलिंग सही कर लेना। प्रोसीजर क्या है, कुछ भी नए में नहीं, जो मैंने आपको समझाया, पैर आपके एकदम सीधे रहेंगे, हाथ आपको आगे रखना है और झटके से आपको आगे नहीं होना, जितना ज्यादा आप स्ट्रेच हो सकते उतना ज्यादा स्ट्रेच होने की कोशिश करें, और जो आपकी स्केल में जो भी नंबर आएगा है, जो एक पॉइंट आएगा वो मेजर कर लिया जाएगा और बता दिया जाएगा कि भैया आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है, और फिर चार्ट देख लिया जाएगा। अब देखो ये जितने भी टेस्ट मैंने कराए उन सब में चार्ट भी होते हैं जिसमें लिखा रहता है एवरेज, गुड, बैड, फलाना ढिमका, कोई नहीं पूछता एग्जाम में, कोई रट के मत चल जाना, बुक में दिए रहते हैं। आपको बस हमेशा ये याद रखना, जितने टेस्ट पढ़ा रहा हूं उसमें पर्पस, इक्विपमेंट, प्रोसीजर और साथ में फोटो बनाना आना चाहिए। अब आप बोलोगे प्रोसीजर रटना है, बिल्कुल नहीं यार, फोटो याद रखो, जैसे फोटो में परफॉर्म हो रहा है वैसे तुम लोग को करना है। हाँ याना भाई, तो चलो भाई यहां तक क्लियर हो चुका हुआ। तो यहां से हमारा पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। आप लोग से रिक्वेस्ट है बस इसको एक बार बुक से रीड कर लो, मैंने आप लोग को रिकमेंड कर चुका हूं, आप लोग ओसवाल गुरुकुल की फिजिकल एजुकेशन की बुक ले लो क्लास 11th के लिए, बहुत तगड़ी बुक है, जहां पे सारा का सारा कंटेंट न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। मैं अभी भी बता रहा हूं मार्केट में काफी सारी बुक्स है जो उटपटांग कंटेंट प्रोवाइड कर रही है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग को फुल ऑन कंटेंट ओसवाल गुरुकुल का मिल जाएगा, अमेजोन के थ्रू आप लोग उसको ऑर्डर कर लो, मार्केट से ज्यादा सस्ते रेट में आप लोग को मिल जाएगा और घर बैठे आप लोग को फैसिलिटी हो जाएगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से जाके आप लोग ले सकते हो। और यार अपनी प्रिपरेशन चालू करो, सस्ती सी बुक है, और ऐसा मत समझो कि यार फिजिकल एजुकेशन को नेग्लेक्ट करना है, यही ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको 100 out of 100 दिलाएगा और आप लोग की जो मार्कशीट है उसको और ज्यादा मार्क्स गेन करवा के देगा। तो भाई एंड करते हैं आज के इस वीडियो को यहीं पे, कोई भी टाइप का क्वेश्चन आए तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, साथ ही साथ अनअकैडमी में फॉलोअप कर लेना, इंस्टा पे मुझे फॉलोअप कर सकते हो, टेलीग्राम के चैनल और ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर लेना, और इस चैप्टर के नोट्स डाउनलोड करना है बेसिकली तुम लोग को तो मेरी वेबसाइट से कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से जाके कर सकते हो। बुक परचेज करने के लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, वहां से जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए भाई एंड करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को, होप्स हो तुम लोग को यार अच्छा लगा होगा, और ये चैप्टर बस इतना ही है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ प्लीज यार भरोसा रख लो थोड़ा सा, तुम्हारे सीनियर्स लोगों ने भरोसा रखे थे तभी यार उनके सभी के रिजल्ट्स अच्छे आए। तो ऐसा मत सोचा करो कि यार मैं कुछ चीज छोड़ रहा हूँ, जितना सिलेबस में है सब पढ़ा रहा हूँ, ये याद रखना, ये सिलेबस का पॉइंट है, ठीक है ना, मैं बुक के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूँ। याद रखो बुक में हमेशा मैक्सिमम चीजें दी जाती है, इसलिए दी जाती है क्योंकि वो बुक है भाई, वो हमेशा ज्यादा बताने की कोशिश करेगी, हमें बुक से हमेशा रिफाइंड करना है कि कितना कंटेंट हमें पढ़ना है। तो जो सिलेबस में दिया है सीबीएसई के सिर्फ वो हम पढ़ेंगे, बाकी के टॉपिक को नहीं पढ़ने वाले, चाहे बुक कितना भी चीज आप लोग को दे दे। और एक अच्छी सी बुक बता दी, आप लोग चाहो तो उसको ले सकते हो, अगर आपने पहले से कोई लेकर रखे हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए भाई एंड करते हैं आज के इस वीडियो को, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक गुड बाय, पढ़ाई करते रहो, सदा सेक्सी रहो, मेरे स्टूडेंट्स मेरी जान। Thank you.